मुस्लिम समाज के लोगों को ये कहना है। कहते हैं ना कि बात निकलेगी तो दूर तलक जाए। माया के बयान के बाद वही हुआ जिसका डर था। माया ने मुस्लिम कार्ड खेला तो योगी आदित्यनाथ ने अली और बजरंग बली के बीच बांट दिया। इस विवाद में अब आजम खान की सियासी एंट्री हो गई। उन्होंने नामकरण कर विवाद को और हवा दे दी। अली और बजरंग में झगड़ा मत कराओ, मत कराओ। मैं तो एक नाम दिए देता हूँ, बजरंग अली। रामपुर वालों, झगड़ा ही खत्म होंगे। अब हम अली और बजरंग एक हैं। बजरंग अली, तोड़ दो दुश्मन की नली। वैसे तो अली और बजरंग बली पर सियासी राज छिड़ी हुई है, लेकिन कांग्रेस को इस विवाद में खुद का फायदा दिख रहा है। जिनके लिए अली महान है वो अली महान है, हमारे लिए बजरंग बली महान है, बजरंग बली महान है। इसमें टिप्पणी क्या? पहली बार कुछ पार्टी के नेताओं ने बजरंग बली को राजनीति में घसीटने की कोशिश की थी तो बजरंग बली का गदा चला और तीन राज्यों में सफाया हो गया उन सत्ताधारी पार्टियों का, और कांग्रेस की वापसी हुई। और अगर ये फिर से ये करेंगे तो पूरे देश से भाजपा का सुपड़ा साफ हो जाए। वैसे विवाद कहां से शुरू हुआ, कौन जहर उगल रहा था और कौन अली और बजरंग बली को सियासी अखाड़े में खींच कर लाया, इस पर बीजेपी को कोई विवाद नजर नहीं आया। लेकिन आजम खान की जुबान से निकली बात पर हिंदुओं का अपमान नजर आ गया। आजम खान की पहले से आदत रही हिंदुओं को अपमानित करने की, हिंदू उत्पीड़न करने की, आज उन्होंने उसकी पराकाष्ठा कर दी है। बजरंग बली को बजरंग अली कहकर उन्होंने एक दुष्कर्म किया है, हमारे देवता का अपमान किया है, हमारे इष्ट का अपमान किया है। यदि हम अली का हिंदू नाम रख दें तो क्या मुसलमान उसको स्वीकारेंगे? जिस तरह से आजम खान ने बजरंग बली को बजरंग अली कहने का दुष्कर्म किया है वो निंदनीय है, उनके खिलाफ हिंदू समाज में जनाक्रोश है। वैसे चुनाव आयोग ने विवादित बयान पर सीएम योगी से जवाब मांगा है, लेकिन महंत नरेंद्र गिरी को योगी आदित्यनाथ के बयान पर कोई विवाद नजर नहीं आया। उनके अली हैं तो मेरे बजरंग बली हैं, तो कोई गलत थोड़ी कहा है। अगर किसी के अल्लाह हैं मेरे भगवान हैं तो सही कहा है, गलत नहीं कहा है उन्होंने। कहते हैं ना कि तीर कमान से निकल जाए तो वापस नहीं आता, और बात जुबान से निकल जाए तो उसके भी मायने निकाले ही जाएंगे। अब जो बात निकली है उसके खुद के मायने कुछ भी हों, लेकिन सियासी मायने बहुत कुछ हैं जिस पर संग्राम जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18।